ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। अब आपको पता है WWE की हर साल की जो रेसलमेनिया है वो लेजेंड्स की अपीयरेंस के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। तो गाइज, इस साल WWE के बिगेस्ट स्टार्स में से एक द रॉक के अपीयर होने का क्या चांस है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा CM Punk किसी चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, गोल्डबर्ग और रोमन रेंज में से किसका स्पीयर बेटर है, और गाइज उसोज ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रिवील करी जब वो बिल्कुल रोमन रेंज की तरह नजर आ रहे थे और WWE की टीम ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट और मजेदार अपडेट्स है इस वीडियो में, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइज, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk से, जो कि आपको पता है WWE बैकस्टेज शो के एनालिस्ट हैं। WWE में आने का तो नहीं पता, लेकिन वहां पर वो काफी अच्छे समय काम कर रहे हैं। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि बैकस्टेज का जो अगला शो होने वाला है वहां पर CM Punk आएंगे। और गाइज, ना सिर्फ वहां पर CM Punk आएंगे बल्कि NXT वुमेन्स चैंपियन रिया रिपली भी वहां पर आने वाली है। और गाइज, मैं आपको ये बता दूं कि अभी से कुछ टाइम पहले जब CM Punk से ये पूछा गया था कि आप किन किन बंदों को चाहोगे कि वो WWE बैकस्टेज शो में आए और आपको ज्वाइन करें, तो गाइज उनमें से एक नाम उस समय CM Punk ने रिया रिपली का भी लिया था। तो आप लोग देख सकते हो कि CM Punk के लिए काफी अच्छी चीज हुई है। और गाइज, इस पर उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्शन भी दिया, उन्होंने ये वाली GIF पोस्ट करी है जहां पर उन्होंने लिखा है कांट वेट, मतलब कि वो इस मोमेंट का इंतजार नहीं कर सकते। वेल, ऐसा लग रहा है कि CM Punk को काफी कुछ बातें भी करनी होंगी रिया रिपली से, क्योंकि वो पहले से ही उनसे ज्यादा काफी इंप्रेस है जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है, और कह भी सकते हैं वो काफी अच्छी भी है। तो फिर देखते हैं जब बैक स्टेज शो पर आते हैं CM Punk तो इनके बीच हमें क्या कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती है, क्योंकि स्टिल CM Punk जब भी बैक स्टेज शो पर आते हैं वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसको सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन उससे भी ज्यादा किसी एक चीज में फैंस का इंटरेस्ट आ सकता है, और वो ये है जब CM Punk WWE के रिंग में अपनी वापसी कर लें। वो होगा या नहीं, ये तो भाई CM Punk ही हमसे बेटर जानते हैं। हमारी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस, ये जुड़ी है उसोस से। अब आपको उसोस का करियर पता है कि शुरुआत में वो एक फेस सुपरस्टार रहा करते थे जब वो अपने फेस पर जो है पेंट लगा कर आते थे, और इसके अलावा जो उनकी एंट्रेंस है वो भी समवन डांस वाली होती थी। तो गाइस, इसके बारे में उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग रिवील करी, और उन्होंने कहा कि इस वाली एंट्रेंस को करवाने के लिए हमें विंस मैकमहन को पूरे एक साल लग गए, और एक साल के बाद जाकर उन्होंने ये चीज़ अप्रूव करी। उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी टाइम पहले विंस मैकमहन से कहा था कि हमको ऐसी एंट्रेंस करनी है जो कि एक तरीके का समवन वॉर डांस है, लेकिन उस समय विंस मैकमहन ने ये वाला आइडिया रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने इस बात पे इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन बाद में उन्हें बताया जाता है कि विंस मैकमहन चाहते हैं वो वाली एंट्रेंस करना, और उस समय जब हमें बताया गया ना तो हम खुद ही भूल गए कि हमने कुछ ऐसा कहा भी था, क्योंकि ये बात जो है एक साल पहले की है। लेकिन जब बाद में ये चीज़ अप्रूव हो गई तो आपको पता है कि कितने लंबे टाइम तक हमें WWE टेलीविजन पर इसी तरह से उसोस की एंट्रेंस देखने को मिलती थी। और उसके बाद की भी जो स्टोरी बताई उसोस ने वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब उनका हील कैरेक्टर आना था, जब उनका हील टर्न होना था, तो उनको जो है काफ़ी डिफरेंट अटायर दिया गया था, क्योंकि आपको पता है पहले तो उसोस रंगीले बनकर आते थे, लेकिन उसके बाद उनको थोड़ी सी ऐसी थीम दी गई जहां पर वो ब्लैक कपड़े पहने। लेकिन गाइस, जैसे ही उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने तो फिर उनको ये कहा गया कि नहीं, आप ऐसा भी नहीं पहन सकते, क्योंकि ऐसे में आप बिल्कुल रोमन रेंज की तरह लगते हो। और हमारा रिएक्शन था कि यार, रोमन रेंज हमारा कजिन है, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग बिल्कुल रोमन रेंज जैसा ही लुक रखते हैं या फिर उनके जैसा थोड़ा भी सिमिलर हमारा अटायर या फिर आउटफिट होता है तो ऐसे में हम बिल्कुल रोमन रेंज की तरह ही नजर आएंगे। लेकिन बाद में वो चीज़ भी ओके हो गई, और उसी तरीके से जो उसोस हैं उन्होंने अपने हील कैरेक्टर का डेब्यू किया टेलीविजन के ऊपर। तो गाइस, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि कैसे उसोस का जो है ट्रांजिशन हुआ फेस सुपरस्टार से हील सुपरस्टार्स में। और अगर आप लोग अभी देखो तो उसोस का जो लुक है वो तो एक हील वाला ही है, लेकिन आपको पता है कि इस समय वो हील कैरेक्टर प्ले नहीं करते, बल्कि हम लोगों ने रिसेंटली उनको रोमन रेंज के साथ देखा था जो कि फेस सुपरस्टार हैं। तो ऐसे में जो उसोस हैं वो भी फेस कैरेक्टर ही प्ले करते हैं। लेकिन ये बात तो कहनी होगी कि जब फेस सुपरस्टार से वो हील में बदले तो उसके बाद जो उनका करियर है वो अलग ही लेवल पर पहुंच गया, और हमें उसोस की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली, और ऐसा ही जो लुक है या फिर ऐसा ही जो कैरेक्टर है वो फैंस ने उनका काफी ज्यादा पसंद किया था। हमारी अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और गाइस, ये जुड़ी है रोमन रेंज एंड गोल्डबर्ग से। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही समय ड्रामा सा चल रहा है, और वो है गोल्डबर्ग और रोमन रेंज का स्पीयर, किसका स्पीयर बेटर है। और गाइस, ये चीज की शुरुआत हुई तब से जब WWE ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ये वाली फोटो पोस्ट करी जहां पर वो खुद फैंस से पूछ रहे हैं कि किसका स्पीयर बेटर है, क्या वो रोमन रेंज है या फिर गोल्डबर्ग। और इसके बाद भाई, जो कॉमेंट सेक्शन है वहां पर एक तरह से तूफान सा आ गया, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है गोल्डबर्ग का अच्छा है, कोई कह रहा है रोमन रेंज का अच्छा है, कोई यहां पर राइनो को मेंशन कर रहा है। और गाइस, मैट रिडल, जो कि आप लोग जानते हैं NXT के सुपरस्टार हैं, उनको गोल्डबर्ग से प्रॉब्लम रहती है काफी ज्यादा, उन्होंने यहां पर कमेंट किया कि किसी का स्पीयर बेटर नहीं है, मेरा खुद का स्पीयर बेटर है। और गाइस, ये कमेंट किसी फैन ने नहीं किया था, बल्कि ये जो कमेंट है वो खुद मैट रिडल ने किया था, क्योंकि आपको पता है जो मैट रिडल है वो गोल्डबर्ग के मूव्स यूज करते हैं, वो उनका स्पीयर लगाते हैं, उनका जैक हैमर भी यूज करते हैं। तो ये काफी इस समय इंटरेस्टिंग थिंग चल रही है WWE के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। ऐसे में कह सकते हैं कि जो रोमन रेंज के फैंस है वो यहां पर रोमन रेंज को सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी जो गोल्डबर्ग को देख रहे हैं काफी पुराने टाइम से, उनका कहना यह है कि गोल्डबर्ग का स्पीयर बेटर है। अब ऐसी पोस्ट WWE ने डाली की सोशल मीडिया के ऊपर, उसका एक बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि गोल्डबर्ग और रोमन रेंज का मैच होना है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एट WrestleMania 36। तो WWE फैंस के बीच भी काफी ज्यादा हाइप बनाना चाहती है, और कह सकते हैं कि मैच का जो भी रिजल्ट निकलेगा या फिर मैच का जो भी विनर होगा वो अपनी छाती चौड़ी करके कह सकता है कि ना सिर्फ मेरा स्पीयर बल्कि ओवरऑल मैं तुमसे एक बेटर परफॉर्मर हूं। तो फिर देखते हैं मैच का रिजल्ट क्या होता है और
और कौन इस मैच के अंदर जो है विक्टोरियस बनता है। गाइज हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइज ये जुड़ी है द रॉक से। अब आप लोग के काफी ज्यादा कमेंट्स है कि भाई रेसलमेनिया 36 के लिए रॉक का क्या स्टेटस है, क्या हमें रॉक यहां पर अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूं, रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्ज़र ने इस पर एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने ये कहा है कि WWE को अगर कोई बड़ा सरप्राइज फैंस के लिए देना है तो वो यही हो सकता है कि वो द रॉक की अपीयरेंस करवाएं रेसलमेनिया 36 में। और अगर रॉक रेसलमेनिया 36 के अंदर आते हैं तो यहां पर वो करेंगे क्या, एक बिल्कुल सिंपल सी थिंग है जो कि WWE उनके साथ करना चाहेगी, और वो होगा एक प्रोमो सेगमेंट हो सकता है रेसलमेनिया 36 की स्टार्ट में। WWE रॉक को ऐसे बुक करना चाहेगी वहां पर रॉक आ जाएं, और शुरू में अगर रॉक आ जाते हैं तो ऐसे में फैंस जो हैं वो पूरे शो के लिए काफी ज्यादा हाइप्ड हो जाएंगे। लेकिन गाइज यहां पर डेव मेल्ज़र ने फिलहाल ये बताया कि अभी तक मैंने तो किसी से ये नहीं सुना कि WWE ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि द रॉक रेसलमेनिया 36 के अंदर आएंगे या फिर वहां पर उनकी तरफ से कुछ भी हमें देखने को मिलेगा। और वैसे भी अगर आप लोग देखो तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रॉक जो स्मैकडाउन के शो पर अपीयर हुए थे वो भी कुछ दिन पहले की बात है, और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि रॉक जो यूजुअली ज्यादा टेलीविजन पर अपीयर नहीं होते WWE के, और अगर वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो काफी महीनों का काम एक ही साथ पूरा करके चले गए हैं। लेकिन गाइस मुझे काफी अच्छी फीलिंग है कि रेसलमेनिया 37 जिसकी हॉलीवुड वाली थीम होने वाली है, और आपको पता है हॉलीवुड के काफी बड़े स्टार हैं द रॉक, तो वहां पर हमें उनकी तरफ से कोई मेजर रोल देखने को मिल सकता है। और आपको पता है कि रॉक और रोमन रेंस का आइडिया, इस मैच का आइडिया अभी से पिच होने लगा है रेसलमेनिया 37 के लिए, तो फिर वहां पर मुझे लगता है कि रॉक के अपीयर होने का ज्यादा अच्छा चांस है। और अगर रेसलमेनिया 36 में रॉक नहीं भी आते तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि ऑलरेडी शो के ऊपर काफी कुछ है। रॉक आएंगे तो मजा जरूर आएगा, लेकिन भाई बातें तो सारी WWE और विंस मैकमैन के ऊपर डिपेंड करती हैं, और रॉक के ऊपर भी, क्योंकि शेड्यूल कैसा है और क्या वो अपीयर हो सकते हैं इस इवेंट के लिए, तो फिर देखते हैं क्या वहां पर उनके लिए बुकिंग होगी। लेकिन गाइज आज की फिलहाल वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताना गोल्डबर्ग और रोमन रेंज की जो स्पीयर बैटल चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। और गाइज आप लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।